फरमाए आका इनामदार दी जुल्फ़ अंबरीन दा सदका रब्बुल आलमीन शरहे सदर अता फरमाए सही हक बयान दी तौफीक अता फरमाए तमाम हवादिसात ज़माना शुरूर व फितन तो महफूज फरमाए। दोस्तों तुहाडे सामने मुख्तसर वक्त के अंदर जो बयान करन दा इरादा रखना माहे जमाद सानिया दी निस्बत नाल अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो दोस्तों आका इनामदार मदनी ताईदार दा बिला वासिता सब तो पहला खलीफा जिन्ना दा नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर दा ताल्लुक अल्लाह तेरे मेरे नाल नहीं इसका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात दे पूरे मजहब दे नाल है। क्यों कि आका अलैहि सलातो सलाम दी नियाबत आप दे खिलाफत दे एतबार दे नाल आका इनामदार दे यारां दे बद मजबां दी तरफों कीचड़ उछालिया जांदा है एतराज कीते जांदे ने। मैं इस गुफ्तगू दे दरमियान पहला शान सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार तुहाडे सामने बयान करांगा बयान सिद्दीक दी शान से जुबान शाह मुश्किल कुशा दी यानी मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दी जुबान ते सिद्दीक अकबर दी शान और जेड़ा असा मदनी ताजदार दा खलीफा बिला फसल सिद्दीक अकबर नूं मनने आ और बाद अज़म्बिया और रसुल मलाइका उन्हां तो बाद सब तो ज्यादा शान फजीलत वाले सैयदना सिद्दीक अकबर ने। दोस्तों आला हजरत अजीम अल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दे कोलों सवाल होया कि हजूर खलीफियां दे विचों अफजल कौन है। आपने जवाब देंदियां एक गल बयान फरमाई आपने फरमाया दोस्तों नियाबत खिलाफत हकीकत के अंदर आपने नाम लेके
किसे दा भी नहीं फरमाया कि मेरे तो बाद फलां खलीफा होएगा। खिलाफत दे इतबार नाल नबी दे यारां सिद्दीक अकबर नूं चुनिया ते खलीफा बनाया। आपने फरमाया इशारे वेखो, इशारे हदीस च भी मिलते ने, मुस्तफा दे फरमान च मिलते ने कि मेरे बाद खलीफा इशारियां दे इतबार नाल सिद्दीक अकबर होणगे। अगे जा के इस गल नूं थोड़ा जिहा बयान करांगा कि अगर आपां सब नालों अफजल सिद्दीक पाक और हजरत फरूक आदम सरकार नूं बादत अंबिया और रसुल मलाइका तो बाद मरतबा नहीं मनते तो किड्डी वड्डी खराबी लाजम आती है कि ए मौला अली मुश्किल कुशा भी खुद तस्लीम करते सन, मनते सन और उन्होंने नज़दीक यकीनी बात सी कि नबी सरवर की उम्मत अंदर बल्कि तमाम अंबिया तो बाद और रसुल मलाइका तो बाद पूरी कैनात दे विच सारे नालों अफजल सिद्दीक अकबर और उन्होंने तो बाद हजरत फरूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने। इस ते मैं रिवायतां पेश करांगा, हर रिवायत के अंदर मौला अली का अपना बयान होएगा। क्यों हजरत उमर पाक के बारे कोई रोला नहीं पाता कि अली उन्हां तो अफजल ने, उस्मान के बारे छेती कोई रोला नहीं पाता, यानी अपने इस मुआशरे के अंदर माहौल के अंदर यह गल सुन छेती नहीं आती, जल्दी नहीं कोई अपने सामने गल करता। लेकिन अली पाक रदी अल्लाह तआला अनहु सरकार सिद्दीक अकबर नालों अफजल मनण वाला टोला पैदा होया वे और काफी दिनों तो पैदा होया वे। उस सिद्दीक अकबर नूं शान दे अंदर अली पाक नाल घट मनते ने, अफजलियत दे इतबार नाल घट मनते ने और इसे बिना ते सहाबा ते अहले सहाबा ते और सिद्दीक अकबर सरकार ते इतराजात करते ने और उन्होंने इतराजा के बिचों जो हद तो लगते ने। एक इतराज यह भी है कि सिद्दीक अकबर ने खलीफा बनने तो बाद नबी सरवर की विरासत आप की बेटी पाक को नहीं दिती। एक पूरा मौजू है जिसका नाम बागे फदक और खुमसे खैबर के नाल इस उलमा बयान करते हैं। आखिर ते जाके मैं एक कुरान पाक दे विच्चों इस गल का जवाब देंगा कि सिद्दीक ने नबी की विरासत क्यों तकसीम नहीं की। और वह की कहते हैं, वह कहते हैं कि जुलम किया, नप लिया, डाका मार लिया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उसका जवाब कुरान की आयत शरीफ तो पेश करा। जो बोलो सुभान अल्लाह, आओ संगीओ पहला जौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन दा पाक कलाम तबरुकन तिलावत करन लगे, जौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन अपने पाक कलाम दे अंदर इरशाद फरमाउंदा है, सोहना रब फरमाउंदा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। रब फरमाउंदा है रब दी बारगाह दे अंदर सब नालों ज्यादा इज्जत वाला, ज्यादा मंजिल वाला, ज्यादा शान वाला, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। रब दी बारगाह दे अंदर ज्यादा शान वाला, ज्यादा फजीलत वाला उही बंदा है ज
जिहड़ा तुहाडे विचों सब नालों ज्यादा परहेज़गार है। मुफस्सिरीन किराम इस आयत शरीफ के बारे और दीगर कुरान शरीफ के अंदर आयात तैयबात जिन्हें सिद्दीक अकबर की शान के अंदर नाज़िल हुई ने मुफस्सिरीन किराम फरमाते ने अतका तो मुराद सैयदना सिद्दीक अकबर ने रब की बारगाह के अंदर सारे नालों ज्यादा शान आले फजीलत आले रब की बारगाह के अंदर रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब के पहले खलीफे सैयदना सिद्दीक अकबर ने दौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। आओ संगी हुण अगे जुबान ते मौला अली मुश्किल कुशा दी होएगी, शान सिद्दीक अकबर दी होएगी। वेख्या जे जेड़े शाह अली दे नालों सिद्दीक अकबर नूं घट मनदे ने शाह अली नूं अफजल मनदे ने, कहिंदे ने पहला नंबर शाह अली दा सी, उन्हां दा रद सैयदना अली मुर्तदा शाह हल अता खुद किवें फरमा रहे ने। तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह। ऐ रिसाला उस्ताद मोहतरम हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती नदीर अहमद चिश्ती साहेब उस्ताद साहब खुल्ला दे खास शागिर्दां विचों उन्हां शेखैन दी अफजलियत ते रिसाला तहरीर फरमाया। इस दे अंदर उन्हां एक रिवायत नकल कीती है, पेश करन लगा। दौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। इहदे विच अरबी मतन भी दिता है, उर्दू तर्जमा भी दिता है, दोवें चीज़ां मिला के दित्तियां। दौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुवैद बिन गफला रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार इस रिवायत दे रावी भी ने ते किस्सा वाकया खुद बयान फरमाउंदे ने। फरमाया एक बार मैं शिया दे एक टोले कोलों गुजरिया, एक गुरोह कोलों गुजरिया। जदों मैं उन्होंने कोलों गुजरिया मेरे कन्ना दे अंदर आवाज पई, उन गल्लां कर रहे सन आपस दे अंदर, गुफ्तगू कर रहे ने उन्हां दी गुफ्तगू दे अंदर। जदों मेरे कन दे अंदर आवाज पई है मैं की सुनिया है, मैं सुनना के सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सरकार दी शान दी तनकीस पे करदे ने, आप दे बारे नाज़ेबा गल्लां कर रहे ने। मैं जदों सुनिया हजरत सुवैद बिन गफला फरमाउंदे ने, फरमाया मेरे कोल बर्दाश्त ना हुई, मैं पचा ना सकिया, मैं सीधा शाली दे कोल गया वा। एक किड़े दौर की गल है जदों शाह अली खुद खलीफा ने, ये उस दौर की गल है जदों शाह अली खुद खलीफा ने। आप फरमाउंदे ने मैं गया वा, मैं जाके शाह अली दी बारगाह विच अर्ज करना, सोनिया मैं गुजरिया एक गुरोह कोलों एक टोले कोलों गुजरिया, गल्लां कर रहे सन अपनियां गुफ्तगू कर रहे सन, उन्हां दी गुफ्तगू दे अंदर जिहड़ी गल बयान हो रही सी ओ सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो सरकार दी तनकीस कर रहे सन, आप दी शान घटा रहे सन, उंज दियां गल्लां कर रहे सन जिन्हां गल्लां दे हकदार शेखैन हजरत अबू बकर सिद्दीक ते हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अनहु सरकार इस उम्मत दी तरफों उंज दियां गल्लां दे लायक नहीं। ए उम्मत नूं ते उन्हां दा जिक्र खैर ही करना चाहिदा है। हजरत शाह अली मुश्किल कुशा ने जदों आप दी गल सुनी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकार आपने फरमाया अल्लाह ताला लानत करे उन्हां ते जिन्ना अबू बकर सिद्दीक ते हजरत उमर पाक नूं अच्छे लफ्ज़ां दे नाल याद नहीं फरमाया। ऐ लफ्ज याद रखिया जे सिद्दीक ने सिद्दीक अकबर ते हजरत फारूक आदम दे खिलाफ जुबान खोलन वालिया ते मौला अली मुश्किल कुशा ने खुद लानत फरमा छड़ी है। ये गल याद रखनी, अगे ले जा के दोबारा फिर इस गल वल लौटांगा। जदों हजरत शाह अली मुश्किल को शाह ने गल सुनी ते आपने फरमाया सिद्दीक ते उमर दा जिक्र खैर ना जड़ा अच्छा करे उन्दे ते लानत होवे। आप सरकार ने जदों हजरत सुवैद बिन गफला दी गल सुनी है, वेख शाह अली नूं किन्नी तकलीफ होई, आप नूं किन्नी परेशानी बनी है। मेरे शाह अली मुश्किल को शाह दियां अखां विचों हजरत
सिद्दीक हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम सरकार दी शान दी तनकीस सुन के आप दियां अखां दे विचों आंसू जारी हो गए ने। आप रोण लग पए ने, परेशानी दा आलम बन गया। आप रोंदे हुए उठे ने, हजरत सुवैद बिन गफाला फरमाउंदे ने आप उठ पए ने, मेरा हाथ नप्या, हाथ पकड़ के आप मैनू मस्जिद वाल लै गए ने। नाल आप रो रहे ने, अपने आंसू साफ कर रहे ने, वेख मौला अली नू जेड़े शान दे अंदर शैखैन तो वधाउंदे ने, उन्हां दी शान दी तनकीस सुन के शाली रो पए ने। आप नू तकलीफ होई ए, क्योंकि आप जानदे सन एते यकीनी बात ए, सारिआं नालों शान च अफजल सिद्दीक अकबर ने। आप शान च ज्यादा ने। आप सरकार जो मस्जिद के अंदर गए ने, ऐलान कर दिता गया इकट्ठे हो जाओ लोग। जो लोग इकट्ठे हो गए ने, हजरत शाह अली मुश्किल कुशा मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सरकार ने एक तकरीर फरमाई, खुतबा इरशाद फरमाया। हजरत सुवैद बिन गफला फरमाउंदे ने, शाह अली ने अपनी दाढ़ी मुबारक इंज पकड़ी हुई, नाल आंसू वह रहे ने, आंसुआं दियां लड़ियां लगियां ने, इंज दाढ़ी मुबारक पकड़िया। फरमाउंदे ने, मैं वेख्या शाह अली दी दाढ़ी सफेद, इंज दाढ़ी पकड़ के आप तकरीर शुरू करन लगे ने। आपने हुण जिहड़ी तकरीर शुरू कीती संगियो, हुण शाह अली दी ओ तकरीर दे चंद लफ्ज सुना ना वा। आपने खुतबा दिता, आपने फरमाया, मा बाल कौमुन यज़कुरून सय्यिद कुरैश व आबावायल मुस्लिमीन आना मिम्मा कालू बरीउन व अला मा कालू मुआकिबुन। आप सरकार ने फरमाया, हैरान है उन्होंने लोगों से, उन्होंने लोगों का की हाल होना है। ये अली तकरीर कर रहे ने सिद्दीक अकबर की शान की तनकीद सुन के। हुण सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दी शान दी तनकीस सुन के सिद्दीक तकरीर कर रहे ने। ओ पता लगदा है, जदों शैखैन दी शान दी कोई तनकीस करे, तकरीर करके दिफा करना शाह अली दी सुन्नत बनदा है। तकरीर करके दिफा करना शाह अली दी सुन्नत बनदा है। आप सरकार ने तकरीर शुरू की थी, तकरीर दे अंदर आपने फरमाया, उन्हां लोगों का की हाल होना है जिहड़ा जिहड़े कुरैश के दो सरदारां दा जिक्र अच्छे लफ्जा नाल नहीं करते। आबा वाये मुस्लिमीन ते मुसलमाना दे दो रूहानी बापां दा चंगे लफ्जा नाल जिक्र नहीं करते। शाली ने अपनी तकरीर दे अंदर शैखैन करीमैन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम सरकार नु कुरैश दे सरदार भी दोवां नु फरमाया है, वा आबा वायल मुस्लिमीन और मुसलमाना दे रूहानी बाप इरशाद फरमा छड़िया है। हजरत अली पाक सरकार तकरीर कर रहे ने, आपने फरमाया, उन लोगों का की हाल होना है जिहड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक ते हजरत फारूक आजम सरकार नू चंगे लफ्जा नाल नहीं याद करते, हालांकि वह कुरैश दे सरदार ने ते मुसलमानों दे रूहानी बाप ने। आपने फरमाया, लोगो जिन्ना सिद्दीक दी शान घटाई है, मैं उन्हां दे नाल कोई ताल्लुक नहीं रखदा, मेरा उन्हां दे नाल कोई ताल्लुक नहीं दा। आप सरकार ने तकरीर बयान फरमाउंदियां, तकरीर करदे इरशाद फरमाया, फरमाया इन्ना हुला युहिब्बुहुमा इल्ला मुमिनुन तक्जुन वला युबगिदुहुमा इल्ला फाजिरुन रदीउन। फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर दे नाल हजरत फारूक आजम सरकार दे नाल प्यार उही करेगा जिहड़ा मोमिन ते मुत्तकी परहेदगार है।
متقی تے پرہیزگار ہی صدیق تے فاروق دے نال پیار کرے گا فرمایا ولا یبغضہما الا فاجر رضیا فرمایا انہاں دے نال کبینہ بدکار نفرت رکھے گا توجہ نال بول سبحان اللہ اونا دے نال کمینہ بدکار نفرت رکھے گا مومن متقی پرہیزگار محبت کرے گا آسنگیا علی پاک دی تقریر دوہاں یاراں دے دفاع دے اندر علی پاک صدیق اکبر دی آپ دی شان دی تنقید سن کے حضرت فاروق اعظم سرکار دی شان دی تنقید سن کے شاہ علی اپنی زبان دے نال شیخین شان دا دفاع پہ فرماؤں دے نے آج جدوں صحابہ دی عزت ڈاکہ ڈالیا جاوے جدوں صدیق دے خلاف زبان کھولی جاوے جدوں عمر پاک دے خلاف زبان کھولی جاوے اونا دیا عزت تے حملے کیتے جان اونا نو ظالم آکھیا جاوے اونا نو نعوذ باللہ من ذالک چور تے ڈاکو آکھیا جاوے اونا نبی دی وراثت نپ لئیے اونا حضرت علی پاک دا حق نپ پیائے خلافت حق دار پہلا صدیق نہیں علی پاک نے اونا دیا شانہ دے جدو انج دے جملے کسے جان پھر اپنی زبان استعمال کر کے اپنا علم استعمال کر کے اونا دی عزت دا دفاع کرنا شاہ علی دی سنت بن جائے آپ نے فرمایا وَلَا يُبْغِضُهُمَا إِلَّا فَاجِرٌ رَدِيًا کبینہ تے بدکار اونا دے نال نفرت رکھے گا ویکھو سنگیو شاہ علی دی کرامت آئے ہائے ہائے میرے شاہ علی دی کرامت ہے آپ نے اپنی زبان پاک دے وچوں اس زبان دے وچوں اس شاہ علی نے بیان فرمایا ہے جس شاہ علی دے بارے نبی پاک نے فرمایا سی آنا مدینہ العلم وعلی جنبابہا میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے اس شاہ علی پاک نے اپنے علم دے نال ارشاد فرمایا سی لا یبغضہما الا فا آپ نے فرمایا اینا شیخین کریمین دنال اینا دوہ ذاتہ دنال بغض بدکار کمینہ رکھے گا اے میرے شاہ علی دی کرامت آج جتھے بھی ویکھیں گا جڑے کالے کپڑے پا جھنڈے لا علی علی دے نارے مار کے شیخین دے بارے صحابہ دے بارے جدونہ دے بارے زبان کس دینے سب وہ شتم کر دینے جی اونا دا پیچھا ویکھیں گا سارے آن دا تعلق سارے آن دی نسبت چکلے نال بڑھ دیئے سارے آن دا تعلق چکلے نال بڑھ دے میرے شاہ علی دی کرامت آپ نے فرمایا سی صدیق دے نال فاروق دے نال نفرت فاجر بدکار کمینہ رکھے گا آسنگ یا اونا دا تعلق جنہ دے جیڑے زبان صدیق دی شان دے اندر کھولن تے ترہ ترہ دے جملے کسن صدیق دے خلاف بولن اونا سارے آن دا تعلق چکلے نال بڑھ دے اونا دے مذہب دے اندر چکلے دا لسنس ملدہ ہے اور کسے مذہب دے اندر چکلے دا لسنس نہیں ملدہ میں کیا شاہ علی صدقے جاواں دواڑیاں شانہ تو صدقے جاواں دواڑیاں زبانہ تو صدقے جاواں دواڑے بیان تو تُسا پہلا بیان فرما چھڑیا سی صدیق دے نال نفرت رکھے گا عمر دے نال نفرت رکھے گا بدکار کمینہ میں کیا کھاں گا چکلے دی پیداوار ہی رکھے گا چکلے دی پیداوار ہیرونا دنال نفرت رکھے گا شاہ علی نے تقریر کر کے شیخین دی شاندہ دفاع کی تاہے میں غران اونا اونا پیرا تو اونا مولویاں تو جڑے چکلے
चकले वालियां दे पिछे चल के सिद्दीक दे खिलाफ बन गए ने, उमर दे खिलाफ बन गए ने, सहाबा दी इज्जत दे खिलाफ बन गए ने। शाह अली दे नाल प्यार ओही करदा है जेड़ा शाह अली दे दसी गल दे मुताबिक, आप दे दसे कानून दे मुताबिक शैखैन दे नाल प्यार करदा है। नौकरान बोलो सुभान अल्लाह। आप सरकार जदों ये तकरीर फरमाइए वेख शाली ने मयार भी दस्या है, मोमिन मुत्तकी परहेदगार सिद्दीक दे नाल प्यार करदे ने, बदकार जानी बेगैरत किस्म दे लोग उन्हां दे नाल नफरत रखदे ने। जदों वेखनिया जदों सिद्दीक दे खिलाफ कोई बोलदे, जदों उहदा पेछा वेखनिया ते वाकिया तां पता लगदा है ये कोई हराम ज़ादा जिहड़ा सिद्दीक दे खिलाफ जुबान खोले। इहदे नसब दे अंदर जरूर शक आ गया है, जरूर नसब दे अंदर मिलावट आ गई है, तां सिद्दीक दा दुश्मन बन गया है, तां सिद्दीक दा दुश्मन बन गए। आप सरकार ने तकरीर कीतियां फरमाउंदे ने उहनां दे नाल मुत्तकी परहेदगार ही प्यार करनगे। आप हुण सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम सरकार दी इज्जत दा किवें दिफा फरमा रहे ने। फरमाया उहनां हुकूमत कीती है देखी दा कहिंदे रहे ने, बुराई तों रोकदे रहे ने। ओ नबी सरवर दे सच्चे खलीफे सन, उहनां सही निजामे हुकूमत चलाए, रसूलुल्लाह दे आकाम सही लोगों तक पहुंचा छड़े, दीन सही लोगों तक पहुंचा छड़िया है। हजरत सिद्दीक अकबर सरकार नूं मदनी लजपाल करीमा का आप सरकार ने नमाज वास्ते अपनी हयाती विच अपने मर्ज़े मौत जिस मर्ज़ दे अंदर आका इनामदार दा विसाल शरीफ होया है, उस मर्ज़ दे अंदर नबी पाक सरकार ने शाह अली फरमाउंदे ने सिद्दीक अकबर नूं नमाज वास्ते मुकरर फरमाया। सात दिन सिद्दीक ने नबी पाक दे यारां नूं मुसल्ले खलो के नमाज पढ़ाई है। आप सरकार फरमाउंदे ने आका इनामदार ने साडे दीनी काम वास्ते सिद्दीक नूं पसंद फरमाया है। जदों सिद्दीक नबी पाक सरकार टुर गए ने, असीं अपनी दुनिया यानी खिलाफत वास्ते अपने वास्ते सिद्दीक नूं पसंद कर लिया। नबी ने नमाज वास्ते मुसल्ले दे ठल्या, असा उत्थे इशारा समझ गए हां कि सिद्दीक नूं नबी ने दीनी काम वास्ते साडे दीनी काम वास्ते मुसल्ले दे ठल्या है। असा अपने दुनिया वाले हकूमत वाले मुसल्ले दे सिद्दीक नूं पसंद कर लिया है। आप सरकार हुण तकरीर फरमा रहे ने, आ फरमाउंदे ने, फरमाया जदों सिद्दीक अकबर सरकार नूं खिलाफत मिली है, आप सरकार फरमाया वाहु वाले दालिका कारे हुण सिद्दीक खलीफा बनना पसंद कीता ही नहीं, सिद्दी खलीफा बनना पसंद नहीं कीता। हुण शाह अली फरमाउंदे ने वाहु वाले दालिका कारे हुण यवद्दु लव अन्ना हदना कफाहु दालिका। आप फरमाउंदे ने आप ते ए पसंद करदे सन खलीफा साडे विचों कोई होना चाहीदा है। मैं हैरान होना जिहड़े कहिंदे ने खिलाफत वाला हक सिद्दीक ने नप लिया, उमर ने नप लिया, अली कहिंदे ने नबी दे यार सिद्दीक ने खिलाफत पसंद कीती नहीं। असी आप उन्हां नूं अर्ज़ कीती है सोणिया तुसी साडे खलीफे बनो, साडे सारे निजामे हुकूमत नूं संभालो, आपने ते खिलाफत पसंद कीती नहीं। आप सरकार हुण तकरीर बयान फरमाउंदे आ, फरमाया हजरत नबी पाक सरकार ने हजरत सिद्दीक अकबर नूं मीकाईल अलैहि सलाम दे नाल राफत दे अंदर ते रहमत दे अंदर तशबीह दित्ती है। हजरत सिद्दीक अकबर बड़े
शफीक सन, मेहरबान सन, बड़े नरम दिल सन, आप बड़े रफीक है सन, बड़े मेहरबान है सन। आप सरकार जेड़े अपने रहाया सन खलीफा बन के सारे नाल हुसने सलोक दे नाल पेश आए ने। हुण शाली अगे तकरीर शुरू करदे ने, हजरत फारूक आजम सरकार दी शान बयान करदे ने। आप दी शान दे अंदर जेड़ा जुमला शाली ने बोलिया है, वो एक जुमला तुहाडे सामने पेश करना वा। आपने ते खैर काफी शान बयान फरमाई। आपने फरमाया हजरत फारूक आजम सरकार किसे लौमा ताला इम किसे दा खौफ नहीं कीता अल्लाह ताला दी हुदूद नु नाफज करन दे अंदर। हत्ता कुन्ना नज़ुन अन्न मलकन यंतिकु अला लिसान ही। जद उमर बोलिया है रब्बुल आलमीन ने उमर दी ताई दे अंदर कुरान नाज़िल फरमा छड़े आए। हजरत शाह अली फरमाउंदे ने असा गुमान करन लग पे, असा ए समझन लग पे उमर दी जुबान ते फरिश्ता बोलदा है। असा ये समझते सा कि उमर की जुबान से फरिश्ता बोल दे। आप सरकार फरमाते ने नबी पाक सरकार की उमर ने जदों खिलाफत की थी, आके नामदार दे पिछे चलते रहे ने। फरमाया मन अहब्बनी फल युहिब्बहुमा व मन लम युहिब्बहुमा फकद अबगदनी व वाना बरी वाना मिनहु बरी। हजरत शाह अली फरमाते ने फरमाया जेड़ा मेरे नाल प्यार करदा है ओ उना दोआ यारां दे नाल प्यार करे, जेड़ा उना दोआ दे नाल प्यार नहीं करदा ओ फरमाया मेरे नाल बुग्ज रखदा है, ओ मेरे नाल बुग्ज रखदा है। हुण शाह अली फरमा रहे ने जेड़ा उना दे नाल प्यार करेगा ओ मेरे नाल प्यार करदा है, जेड़ा उना दे नाल बुग्ज रखदा है प्यार नहीं करदा ओ मेरे नाल बुग्ज रखदा। हुण लख हैदर हैदर दे नारे मार, नारे अली मार, लेकिन शेख हैन दे नाल प्यार ना होवे। अली दी दरबार दे विचों जेड़ा पहला जुमला बोलिया सी हजरत अली ने लानत फरमाई है, लख अली अली पुकार जे शेख हैन दे नाल प्यार ना होवे। अली दी जुबान दे विचों अली दे दरबार दे विचों लानत ही आउंदी है, अली दे दरबार दे विचों अली दी जुबान दे विचों लानत ही आउंदी है। रहमत ओनू ही लभणी है जेड़ा नबी दे प्यारे यार सिद्दीक दे नाल भी प्यार करदा है, फारूक दे नाल भी प्यार करदा है। तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह, अगे रोक नाल बोलो सुभान अल्लाह। अगे आपने फरमाया फरमाया वा खैर हादिल उम्मत बाद नबी बाद नबी हा। फरमाया इस उम्मत दे अंदर नबी पाक सरकार तो बाद अबू बकर व उमर वलौ शितु समैतु सालिस लकुम व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। हजरत अली पाक फरमाउंदे ने शाली फरमाउंदे ने फरमाया ओ लोगो इस उम्मत दे अंदर नबी पाक तो बाद सारे नालों अफजल अबू बकर ते उमर ने। अबू बकर ते उमर ने फरमाया मैं चावा ते तीसरे दा नाम ही बयान कर सकना वा। आप सरकार दे इत्थों पता लगदे शाह अली आप खुद फरमा रहे ने कि इस उम्मत दे अंदर सारी उम्मत दे अंदर पाक नबी तो बाद ज्यादा शान आले ज्यादा फजीलत आले सिद्दीक अकबर दा पहला नंबर है, दूसरा नंबर उमर पाक दा है। गल समझ आ जाए सिद्दीक अकबर और फारूक आजम आप नो अगर अफजल ना मन्या जाए तो खराबी की लाजम आती है। जो है मेरे सामने फतावा रिजविया शरीफ भी है, पूरी किताब इस गल से उस्ताद उल उलमा मुफ्ती नज़ीर अहमद चिश्ती साहब ने लिखी है। रवायतां बयान करन दे विच हैन, होर भी बयान कर सकना, लेकिन ये तैनूं एक नुकता समझावां कि अगर शाने
صدیق اکبر شان فاروق اعظم افضلیت انہاں دی جو انہاں دا مرتبہ ہے پہلا نمبر صدیق دا دوسرا فاروق اعظم سرکار دا انج نام منیے تے خرابی کی لازم ہوندی ہے توجہ ہے سمجھے سب تو پہلا نا سب تو پہلا جدوں نبی دے صحابہ نو شہودیاں ایک جان ویکھیا ہے توجہ ہے تے ایک یہودی نے جس دا نام عبداللہ بن سبا سی جس دا نام عبداللہ بن سبا سی اس نے دلوں کلمہ نہ پڑھیا اتوں کلمہ پڑھ کے مسلماناں دے وچ فتنے پاون واسطے آ گیا سب تو پہلا علی پاک دے خلاف لوگان دے وچ صحابہ دے خلاف اور علی پاک نو شان دے اندر جو کہ صحابہ دا اجماع تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین دا اجماع سی اس گل تے کہ افضل صدیق اکبر نے او اس فتنے دے وچ کامیاب ہون واسطے لوگان دے سامنے انہیں کیا لوگو شان دے اندر تے سب نال افضل علی پاک نے اے عبداللہ بن سبا دی طرف پہلو فتنہ آیا سی ودھاندا گیا ودھاندا کہ اس حد تک انہیں فتنے پا دی تو انہیں کہا لوگو علی تے رب ہے علی تے خدا ہے انہیں کلمہ پڑھیا سی اتو منافقت نال فتنے پاون واسطے کی شان علی دے بیان کرو صدیق عمر دے خلاف کرو شان علی دی بیان کرو صدیق عمر دے خلاف کرو کیوں انہاں نو اونوں پتہ سی دین دے مڈ تے ستون نے دوویں بندے دین دے مڈ تے ستون نے دوویں بندے جدوں انہاں دے خلاف کران گے نا تے ایڑوں وچھڑی پگیاڑاں جوگی پنجابی چ مثال دیندے نے اے ذوق نال بول یار سبحان اللہ ایڑوں وچھڑی پگیاڑا جوگی جیڑا اودو ٹوٹ جا سی او ساڈے جوگا جیڑا اودو ٹوٹ جا سی او ساڈے جوگا اونے فتنے پائے نا تے جاندا سی ان دے نال خرابی کیوں کی لادا ماں دیئے سنیا جے اگر کہنے آنا کہ علی پاک افضل نے تے پھر مننا پینا خلافت دا حق دار وی پہلے نمبر تے علی مننا پینا ہے خلافت دے حق دار بھی پہلے نمبر تے علی نے تے آپ نو خلافت ملی چوتھے نمبر تے توجہ نال بول کے سبحان اللہ آپ نو خلافت ملی چوتھے نمبر تے تے جدوں افضل مننے علی نو خلافت چوتھا نمبر ملنے علی دا ذہن سوال جیسی ہے بھی افضل سن صحابہ خلافت کیوں نہ دتی پھر شیطان کرے گا حملے عبداللہ بن سبا ہوئے گا یہودی کامیاب اونے کہنے پر نبی دے صحابہ ظلم کیتا علی نو خلیفہ نہیں بنایا حق دار خلیفہ علی سی ہن اے خرابی لازم آؤدی ہے جے علی پاک نو صحابہ ساریاں تو اور خصوصاً صحابہ تو مراد جڑا اس وقت بیان ہو رہا ہے شیخین کریمین تو افضل کہنے ہیں ویسے تو آپ دا چوتھا نمبر ہے سارے صحابہ تو باقی ہیں تو افضل نے چوتھے نمبر تھے ایک خرابی لازم ہوندی ہے کہ اگر کہنے ہیں علی پاک شان افضل نے پہلا نمبر ہے پھر خلافت کیوں نہیں ملی ایتھو یہودی عبداللہ بن سبا کامیاب ہوندا ہے کہ صحابہ دے خلاف دین وچ شکوک و شبہات آن گے اماماں نے اور سنیاں دے اماماں نے اے گل بیان کر کے اے ناٹکا بند کر چھڈیا اے راہ بند کیتا ہے کہ علی پاک شان دے وچ افضل ضرور نے اساں اے نہیں کہندے گھٹ نے لیکن اسی کہنے ہاں صدیق اکبر عمر پاک اعلی نے انہوں کا پہلا نمبر ہے تو جو ہے اچھا ایک گل اور ذوقی بیان کرنا لگا بولو کہ سبحان اللہ اگر علی پاک دا پہلا نمبر مان کے انہوں نے خلیفہ بنانے نا تے امت نبی دے صحابہ دیا برکتاں تو محروم ہوتی ہے ذوق نال بولو کہ سبحان اللہ
तवज्जो करें संगियो मुशा अली पाक नु आपा मान लैने पहला खलीफा होना चाहिदा सी। हजरत शाह अली पाक दा विसाल 40 हिजरी दे विच नबी पाक सरकार दा विसाल मुबारक 11 हिजरी दे अंदर है। वेच 30 साल दा अरसा आ गया। इस 30 साल दे अरसे दे अंदर कई सहाबा होरां दा भी विसाल होया। इस 30 साल दे अरसे दे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार दा भी विसाल है। इस 30 साल दे अरसे दे अंदर हजरत फारूक आजम सरकार दा भी विसाल है। इस 30 साल दे अंदर हजरत उस्मान गनी सरकार दा भी विसाल है। जदों पाक दी गुलामी सिद्दीक ने इख्तियार की थी है। नबी पाक सरकार ने अपने नूरे नबुवत दे नाल सिद्दीक अकबर नु भी रंगया है। हजरत फारूक आजम सरकार नु भी रंगया है। हजरत उस्मान गनी सरकार नु भी रंगया है। शाह अली नु भी रंगया है। हुण नबी पाक सरकार ते जानदे सन मैं दुनिया तो जाना है, लेकिन मेरिया बरकतां मेरी उम्मत तक मेरे यारां दे वास्ते नाल पहुंचनियां चाहीदियां ने। मेरे वास्ते नाल मेरियां बरकतां मेरे यारां तक पहुंच जावन। अगर कहने पहला खलीफा अली पाक ने बिल फर्ज मान लिया बना दिता। हजरत अली पाक खलीफे बन जाने सन 11 हिजरी दे अंदर। नबी पाक सरकार तो बाद पहला खलीफा अली पाक होंदे, फिर अली पाक दी खिलाफत दे अंदर सिद्दीक दा विसाल हो जाए। 25 साल तो बाद फिर 10 साल तो बाद उमर का विसाल हो जाना सी। फिर 12 साल तो बाद हजरत उस्मान गनी का विसाल हो जाना सी। हजरत अली पाक ने 40 हिजरी तक हुकूमत करनी सी। आप सरकार का विसाल 40 हिजरी के अंदर होया। और नबी पाक सरकार की मनशा ते रजा ते हुई सी कि मेरे यारां दे कोल मेरे यारां दा फैज मेरा फैज मेरे यारां दे वास्ते नाल मेरी उम्मत तक पहुंचना चाहिदा है। अगर पहला खलीफा अली बन जाते तिना यारा का भी साल हो जाता। जेड़ी बरकत हुकूमत करके सुनिया तेरे तेरे चेहरे ते गल सुन के रौनक ना आवे ते तेरी मर्जी। जेड़ी बरकत नबी को सिद्दीक ने लई जेड़ी हुकूमत करके सिद्दीक ने उम्मत नू देनी सी उस बरकत तो उम्मत महरूम हो जाना सी। जेड़ी उमर ने नबी पाक को बरकत ली सी ते जेड़ी उम्मत नू बरकत उमर पाक ने देनी सी उस बरकत तो उमर पाक दी बरकत तो उम्मत ने महरूम हो जाना सी। जेड़ी हया दी कान उस्मान गनी ने नबी पाक सरकार को बरकत ली है। अगर पहला खलीफा अली बन जाते ते खिलाफत अली दे विच ही उमर हजरत उस्मान गनी दा भी साल हो जाना सी ते ओना बरकतां तो उम्मत महरूम हो जाती। रब्बुल आलमीन दा मैं ते होई कहना वा रब्बुल आलमीन दी तरफों चुनाई हुई तरतीब दे नाल होया है। रब्बुल आलमीन दी तरफों ही ए चुनाव इंज तरतीब दे नाल होया कि मेरा पाक नबी तशरीफ ले गया है। हुण बरकतां सिद्दीक कोलो नबी दियां बरकतां सिद्दीक कोलो मत लवेगी, फिर उमर कोलो लवेगी, फिर उस्मान कोलो लवेगी, चौथे नंबर ते अली कोलो नबी दी उम्मत नू बरकत लब जानियां ने। तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह। ऐ राज सुनाओ दे अंदर ए मैं कौन बयान करन वाला। ए रावल पिंडी दा ताजदार घोलड़े दा ताजदार मुर्शिद मेहर अली बयान कर गया है। और तू आखेगा अपने कोलों बयान कर दीती, अपने कोलों नहीं गोलड़े दे ताजदार मुर्शिद मेहर अली बयान इराद बयान कीता है। फरमाया नबी पाक सरकार दे तिना यारां दियां बरकतां उम्मत ने लैनियां सन, तां वास्ते तरतीब नाल खलीफे बनदे आए ने। जिवें जिवें मिसाल होंदा गया है बरकतां दे एक टुरदे गए ने। चौथा नंबर ते शाह अली ने आके उम्मत नूं बरकत दे के रजा छड़िया। आ संगिया तवज्जो नाल बोल सुभान अल्लाह। सवा दो दा क्या गया था, तवज्जो नाल बोलो के सुभान अल्लाह। सवा दो गन गल सिर्फ अजे अद्धी हुई है। जाकर बोलो
चलो एक गल मुख्तसर बयान करके इजाजत नजाक में बोलो आज संगियो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नो सरकार दे एक एतराज कीता जांदा है कि सिद्दीक ने बागे फदक नाप लिया खोलिया दित्ता ने इंसाफ ने कीता इंदा जवाब मुख्तसर है ते पूरा मौजू बयान करन वाला लेकिन मुख्तसर जवाब कुरान पाक दे विच दे छड़ना जद हजरत मूसा अलैहि सलाम ते हजरत खिजर अलैहि सलाम दी मुलाकात हुई है पहला हजरत खिजर अलैहि सलाम ने कश्ती दे फटे तोड़ छड़े ने फिर एक बच्चा मार छड़े फिर एक दीवार डिगदी पई सी ओनो सीधा कर छड़े ओ दीवार बना छड़ी व अमल जिदार फकान अल गुलामैन यतीमैन फिल मदीना थी व कान तहतहु कंज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा हजरत मूसा अलैहि सलाम ने पूछा सोनिया इना बस्ती वालिया को खाना मंगया है इना खाना नहीं दिता उल्टा दीवार सीधी कर छड़ी है तुसे इना को अपनी मजदूरी ले लेंदे आप सरकार ने फरमाया इंदे अंदर रा दे व अमल जिदार फकान अली गुलामैन यतीमैन ऐ जड़ी दीवार है इंदे थले दो यतीम बच्चिया का खजाना न पिया व अमल जिदारु फकान अली गुलामैन यतीमैन ए दो यतीम बच्चियां दी दीवार है इंदे थल्ले उन्हां दा खजाना न पिया है फअरादा रब्बुका यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक रब्बुल आलमीन ए इरादा फरमाए ए बालिग हो जान वड्डे हो जान अपना थल्लो खजाना कढ़ लैणगे ते खजाने दी हिफाजत वास्ते रब्बुल आलमीन ने हजरत खिजर अलैहि सलाम नु भेज छड़िया है खजाने की हिफाजत वास्ते रब्बुल आलमीन ने हजरत खिजर अलैहि सलाम नु भेज छड़िया है दीवार डिगेगी थलो खजाना जहर होएगा बच्चों का खजाना कोई और ले जाएगा खिजर अलैहि सलाम ने आके दीवार सीधी की थी है की वजह से वका रब्बुल आलमीन फरमाउंदा है ओना दा बाप नेक सी हजरत इब्ने अब्बास फरमाउंदे ने सतवीं नस्ल दे अंदर बाप नेक सी हुण तवज्जो करीम नेक साले नेक वली हो सकदा है वली दा माल होवे वली दा माल होवे यतीम बच्चियां दी विरासत होवे रब्बुल आलमीन जालमा दे हाथ नहीं आण देंदा वली दी निस्बत नाल यतीम बच्चियां दी विरासत बचा लईए जालमा दा हाथ नहीं लग्या जालमा दे हाथां तों बचाण वास्ते रब्बुल आलमीन ने हजरत खिजर अलैहि सलाम भेज के मूसा कलीम भेज के अपने यतीमां दा जड़े यतीम है सन उन्हां दा माल बचाण लई दो भेज छड़ने कलीमुल्लाह अलैहि सलाम हजरत खिजर अलैहि सलाम भेज छड़े ने उन्हां उन्हां दा माल बचा ले दीवार सिद्धी कर छड़ी ओ संगियो वली दा माल होवे रब नबी भेज के बचा लिया है नबी दा माल किवें जालमां दे हाथ आ सकदा है वली दा माल होवे रब नबी भेज के बचा लिया है जे कहने सिद्दीक ने जुलम कीता है पागे फदक नहीं दिता जालिम बनणगे ते एतराज सिद्दीक ते नहीं ए रब ते जाएगा रब कुरान दे अंदर वली दे पुत्रां दा माल वली दी विरासत होवे ते नबी भेज के बचाउंदा है नबी दी विरासत होवे ते नबी दी औलाद तक ना पहुंचे किवें हो सकदा है रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर ओवे मंजूर सी जिवें सिद्दीक खिलाफत करके जिवें बागे फदक ते खुम्से खैबर बना गया है।
रब की बारगाह उंज ही मंजूर सी, उवें ही शरीयत सी, उवें ही मुस्तफा का फरमान सी, जिवें सिद्दीक ने बागे फदक और खुमसे खैबर के बारे मामला फरमा छड़िया। बोल के सुभान अल्लाह, तजवा नाल बोल सुभान अल्लाह। ये तो पता लगता है कुरान और हदीस मुस्तफा दा फरमान हर मामले दे अंदर रहनुमाई करदा है, सिर्फ थोड़ी जी अख खोल के पढ़ने वाला होना चाहिए। पता लगता है सिद्दीक और उमर पाक रदी अल्लाह ताला अनहुमा नू अफजल सारे नालों मैं तू नहीं शाह अली खुद मने, और आप दे नजदीक ए यकीनी मसला सी कि सारे नालों अफजल आपने, ते आपने जिन्ना उन्हां दी शान घटाइए आपने उन्हां दे मुकाबले च फरमाया ही इहो है कि सारे नालों अफजल सिद्दीक अकबर और उमर पाक ने। अगर कोई शको शुभा होंदा ना तो हुण केड़ा कोई आप को तलवार लैके खड़ा सी, हुण ते खलीफा ही आप खुद ने, हुण खुद आप खलीफे ने। हुण बयान फरमा के दस्या है मैं ना खौफ किसी दा रखना ना लालच रखना, क्यों हैदर करार एवें आख्या जांदा है। हुण हैदर करार किसी दा खौफ रखन आपने बगैर किसी खौफ तो लालच तो तमे तो क्यों नबी दे यारां च आ सकदा ही नहीं। ते बयान करके दस है उम्मत सब नालों अफजल सिद्दीक अकबर और उमर पाक ने। दुआ है रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ वा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।